हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड थी कि न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन को हमें कैसे सोल्व आउट करना है उसके ऊपर आपको एक वीडियो बनानी चाहिए। तो ये वीडियो स्पेशली उन्हीं सभी स्टूडेंट्स के लिए हैं जो न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशंस को सीखना चाहते हैं, हम कैसे अपने आंसर्स को ईजी वे के साथ और एक्यूरेटली सोल्व कर सकते हैं। तो वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग चैप्टर वाइज न्यूमेरिकल्स की सोल्विंग करेंगे, आपके न्यूमेरिकल्स भी रिवाइज हो जाएंगे और साथ में आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कि हाउ टू डू दी कैलकुलेशंस। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर सॉल्यूशन से। तो जो इसके फॉर्मूलाज होते हैं उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियोस बनाई हुई हैं, अगर आप लोगों ने फॉर्मूलाज को रिवाइज करना है तो उसके लिए आप लोग वो वीडियो सुन सकते हैं। तो इसमें हम डायरेक्टली न्यूमेरिकल्स और स्पेशली इसकी जो यहाँ पर कैलकुलेशंस हैं उसके सभी स्टेप्स में कौन से रूल्स के अकॉर्डिंग आपको डिवाइड करनी मल्टीप्लाई करनी है वो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, तो वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती है बट इसको ध्यान से सुन लेंगे तो आपका ये पूरा कंसेप्ट अच्छे से क्लियर आउट हो जाएगा। ओके, अभी तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली प्रॉब्लम से। तो हमारे पास है सबसे पहली न्यूमेरिकल के कैलकुलेट द वेंट ऑफ फैक्टर फॉर एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस वन। तो ये हमें यहाँ पर एक दिया गया है कॉम्प्लेक्स, इफ द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन इज 0.852, वट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन इफ इट्स कंसनट्रेशन इज 1 मोलर। तो हमें क्या क्या सोल्व करना है, दैट इज द वेंट ऑफ फैक्टर एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस सोल्यूशन, ठीक है। तो हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, हम सबसे पहले उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कंपाउंड का फॉर्मूला K3FeCN6, ठीक है। देन अल्फा की वैल्यू दी गई है 0.852। देन इसके अलावा हमें ये बताया गया है कि सॉल्यूशन की है कंसंट्रेशन 1 मोलल, ठीक है। एंड हमें दिया गया है के बी की वैल्यू, दैट इज़ दी 0.52, ठीक है। ओके, अभी हमें सोल्व करना है सबसे पहले वेंट ऑफ फैक्टर। अब देखिए, हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि ये ब्रेक होकर अपने कितने आयंस बनाएगा। यहाँ से बनेंगे पोटाशियम आयंस, ठीक है ना, 3 पोटाशियम आयन और एक ये वाला आयन बन जाएगा। दिस इज दी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सो इसका एक ही आयन बनेगा। तो टोटल हो गए 3 and 1, 4 आयन। सो हमारी m की वैल्यू 4 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अल्फा का क्या फॉर्मूला होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल्स टू द i-1 / m-1। तो m क्या होता है कि ये जो है मॉलिक्यूल वो ब्रेक होकर कितने आयंस बना सकता है, और i होती है यहाँ पर वेंट ऑफ फैक्टर, क्लियर है। तो हम यहाँ पर हमें सोल्व करना है यहाँ पर आई को, तो i-1/m-1 यानी कि 4-1, ये हमारा बन जाएगा i-1/3। तो अल्फा की वैल्यू को ध्यान से देखते हैं, अल्फा की वैल्यू में है पॉइंट के बाद हमारे पास 3 decimal places तक आंसर हमें दिया गया है, ठीक है, अप टू दी 3 decimal places। तो इसको हम अभी ऐसे यूज़ करेंगे, जो वैल्यू आपको जैसे दी गई है आपने वैसे ही यूज़ करनी है, उस वैल्यू को राउंड ऑफ वगैरह आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना। तो ये इसका आंसर इक्वल कर दिए, ये इधर जाकर होगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी मल्टीप्लाइकेशन है, आप लोग सोल्व कर सकते हैं। तो ये बनेगा आपका 6, 5 पर चला गया और 5 और 2, अब यहाँ पर 3 digit छोड़कर लगाना है पॉइंट, तो ये बन जाएगा 2.556। इसको अभी ऐसे ही रखेंगे, इसको अभी नहीं आपने राउंड ऑफ करना, बाद में हम इसे यूज़ कर देंगे। तो ये इधर जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगी आई की वैल्यू आपकी 3.556, ठीक है। इसमें ऐड हो गया 1, 2 में, तो ये बन गया आपका 3.556। अब हमें आई तो सोल्व कर दिया, अब हमें सोल्व करना था एलिवेशन इन दी बॉइलिंग पॉइंट। तो अब देखिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फार्मूला अब यहाँ पर क्या लगेगा, बिकॉज आई यूज़ हो रही है यानी कि सॉल्यूशन में डिसोसिएशन हो रही है, नॉर्मल फार्मूला होता है के बी इन टू दी मोलैलिटी, तो यहाँ पर आई की वैल्यू भी आ जाएगी साथ में, क्लियर है। अभी अब आई की वैल्यू लगाएं 3.556 इंटू के बी की वैल्यू लगाएं 0.52 इंटू दी मोलैलिटी हमें दी गई है 1 मोलल, तो वो हमने लगा दी, क्लियर है। अब हमने इसको करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखिए, अब आप लोगों को बेसिकली यहाँ पर ही मुश्किल आती है, यहाँ पर अब आप लोगों ने सिंपल सा रूल क्या याद रखना है जो कि सभी न्यूमेरिकल्स में अप्लाई हो सकता है, हमें एटलीस्ट 2 decimal places तक हर एक वैल्यू को यूज़ करना है, दैट इज़ द करेक्ट अप टू 2 decimal places। तो क्या करना है,
करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, तो करेक्ट अप टू टू डेसिमल प्लेस का मतलब क्या है कि हमारे पास पॉइंट के बाद तीन डेसिमल प्लेस तक आंसर होना चाहिए, उसको आपने राउंड ऑफ कर देना है। तो अगर मैं इसको हटाऊंगा तो इसकी वैल्यू 5 से ऊपर है, तो इसको एक इंक्रीज कर देंगे राउंड ऑफ कर कर, तो ये बन जाएगा 3.56 × 0.52। मतलब आप लोग ये भी याद रख सकते हैं कि जो हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं उनमें से जिसके पास मिनिमम, ठीक है ना, डेसिमल प्लेसेस हैं, हम दोनों में मैच कर कर अपना आंसर निकाल सकते हैं। अब देखिए आंसर तो चेंज होगा बट कुछ ज़्यादा बड़ा एरर इसमें हमारा नहीं आएगा, इसको एक्यूरेट ही माना जाएगा। ठीक है, तो अब इन दोनों की आप लोगों ने करनी है मल्टीप्लाई, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करते हैं 356 with 52। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई तो ईजी है, आप लोग ईजिली इसे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो हम लोग इसकी यहाँ पर मल्टीप्लाई को सोल्व कर देते हैं। तो सबसे पहले ये जाएगा 2 × 6, 2 × 5, सो 2 × 3 ये बन गया। अब ये होगा, ठीक है, 3, 5 × 5 + 3, 8, 2, सो 5 × 3 तो ये बन गया आपका 17। ठीक है, तो इसको ऐड कर देंगे, ये आपका बन जाएगा आंसर दिस वन। ओके, अभी अब देखिए यहाँ पर क्या है कि आंसर तो हमारा आ चुका है 18512। तो यहाँ पर थे दो डेसिमल प्लेस, यहाँ पर थे, टोटल 4 हो गए, तो हमें 4 डिजिट स्किप कर कर यहाँ पर लगाना है पॉइंट। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया था, हमने अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर को रख लेना है, तो ये आपका बन जाएगा 1.85। क्लियर है अभी? अब हमें निकालना था बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, जो हमारा नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अगर हम डिग्री सेल्सियस में करें, उसमें ऐड कर देंगे जितनी एलिवेशन हुई है, तो 1.85 को ऐड कर दिया, तो ये आपका बन गया 101.85 डिग्री सेल्सियस, इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बन जाएगा। क्लियर है अभी? तो इसमें तो कुछ खास बड़ी प्रॉब्लम है नहीं थी, ऐसे आगे और प्रॉब्लम्स आपको सोल्व करवाते हैं तो आपको आइडिया होता रहेगा कि कैसे कैसे हमने कैलकुलेशन करनी है। तो आगे चलते हैं सेकेंड प्रॉब्लम पर। सेकेंड इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर एट ए सर्टन टेम्परेचर इज दिस वन। इफ 0.1 mole ऑफ ए नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए नॉन वोलेटाइल तो होता ही है, हमें हमेशा नॉन वोलेटाइल सल्यूट ही दिया जाता है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट मतलब जिसकी आयनाइजेशन ना हो, जो एसोशिएट या फिर डेसोशिएट ना हो। सल्यूट इज डिजोल्ड इन 100 gram ऑफ द वाटर, कैलकुलेट द रिजल्टेंट वेपर प्रेशर ऑफ द सल्यूशन। तो हमें अब यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, दैट इज द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर वाटर, दैट इज द पीए नोड। ठीक है, पीए नोड की वैल्यू है हमारे पास 23.80, तो ये हो गई वैल्यू। यूनिट्स हैं MMOHg, और साथ में हमें यहाँ पर बताया गया था कि 0.1 mole ऑफ ए नॉन वोलेटाइल सल्यूट, इसका है 0.1 mole। ठीक है, यानी कि NB की वैल्यू हमें दी गई है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट हमें यहाँ पर बताए गए हैं, और साथ में ये बताया गया है कि 100 gram ऑफ द वाटर, तो मतलब कि WA यानी कि सोलवेंट का मास है 100 gram। तो ये इन्फॉर्मेशन है हमारे पास, हमें सोल्व करना है PA यानी कि बाद में कितना वेपर प्रेशर हो जाएगा। अब आपको बेसिक फार्मूले आते होने चाहिए, यहाँ पर आप लोग दो फार्मूले अलग अलग टाइप से सोल्व यूज़ कर कर इसको सोल्व कर सकते हैं। एक तो ऑप्शन है कि हम लोग यूज़ कर लें यहाँ पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को, ठीक है, तो दूसरा है कि हम लोग सिंपली रोल्स लॉ का फार्मूला लगाएंगे, PA की वैल्यू क्या होगी, XA इंटू PA नोड। ठीक है, तो प्योर स्टेट में वेपर प्रेशर इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन, तो हमें XA सोल्व करनी है, मोल फ्रैक्शन सोल्व करनी है। तो अब देखिए सबसे पहले NB तो है हमारे पास, हमें NA निकालने हैं। वाटर का मोलर मास कितना होता है, 18। अब 18 को हमें कर देना है 100 के साथ डिवाइड, सो 100/18, तो ये आप लोगों ने अब इसकी डिवाइड कर लेनी है, तो इसकी डिवाइड, ठीक है, सिंपल है। तो ये आप लोग आंसर इसको याद भी रख सकते हैं कि क्योंकि मोल्स ऑफ दी वाटर हम बहुत बार यूज़ करते आते हैं, तो इसका आंसर, तो इसका आंसर आता है हमारे पास 5.55। अगर यहाँ पर होगा 1000/18 तो आप लोग यहाँ पर आंसर लिख देंगे 55.55। ठीक है, इतना सिर्फ आप लोगों ने चेंज करना है। अब देखिए हम सबसे पहले निकालेंगे XB, क्योंकि XA की डिवाइड करनी हमारे लिए थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, तो मैं पहले XB निकाल लेता हूँ, उससे बाद में हम लोग XA निकालेंगे। तो XB का फॉर्मूला क्या होता है, NB/NA+NB, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B को ऊपर रखेंगे, डिवाइड में दोनों के मोल्स ऐड कर देंगे, तो NB के है 0.1,
और डिवाइड में है 5.55 प्लस 0.1, तो ये आपका ऐड कर कर क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स द 0.1 ओवर 5.65। ठीक है, अब इसको हमने यहाँ पर करना है डिवाइड। ठीक है, अब इसकी डिवाइड करने के लिए आप लोगों को यहाँ पर इसको करते हैं डिवाइड। तो हम इसके यहाँ पर पॉइंट्स हटा लें, ठीक है ना, पॉइंट्स हटाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, दिस बिकम्स द, तो मैं यहाँ पर इसको है लिख देता हूँ, सो दिस बिकम्स 1/10 इंटू ऊपर चला जाएगा 100, दिस वन, एक जीरो हम यहाँ से कैंसिल कर देते हैं, दिस रिमेन्स द दिस वन। तो आप चाहे तो ऐसे भी इसकी डिवाइड कर सकते हैं, चाहे आप इस इन दोनों को यहाँ पर 5 पर कर सकते हैं डिवाइड, तो ये हो जाएगा यहाँ पर डिवाइड होकर 2, इसको करेंगे 5 पर डिवाइड तो ये आएगा 1, 1 और 3, यानी कि हमें 2 को डिवाइड करना है विद 1, 1, 3। ठीक है, तो 2 को हमें अब करनी है डिवाइड विद 1, 1, 3, तो 2 को रखेंगे अंदर, बाहर रखेंगे 1, 1, 3, सबसे पहले लगेगा 0 पॉइंट बिकॉज काफ़ी छोटी वैल्यू है, तो अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा तो एक और 0 लग जाएगी। ठीक है, अब जाएगा ऑन 1, तो ये बच गया 1, 13। ठीक है, अब इसको हमें करना है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या बच जाएगा, 1 सेकेंड, तो इसको अब हमें करना है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट, तो ये हमारे पास आंसर बच गया 7, तो यहाँ से बच गया 8। ठीक है, 87 बच गया, एक 0 इसके साथ में तो आ ही जाएगी। अब देखिए यहाँ पर 100 के आसपास की वैल्यू है और यहाँ पर है 870 के आसपास की वैल्यू। अब आप लोगों ने ये आइडिया लगाना है कि ये 7 पर जाएगा कि यहाँ पर 8 पर जाएगा। अगर हम करते हैं ऊपर, यानी कि मतलब 13 को 8 के साथ मल्टीप्लाई, सो 13 × 8, तो 100 से ऊपर वैल्यू चली जाती है, तो ये जा सकता है अप टू 7 पर। ठीक है, क्योंकि 8 के साथ मल्टीप्लाई करते तो हमारा आंसर 870 से ऊपर आता। इसको हमने करना है 7 के साथ, सो 7 × 3 किया। ठीक है, तो 7 × 1 + 2, सो 7 × 1 = 7, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो बाकी के बचेंगे 79। अब देखिए रिमाइंडर अभी भी काफ़ी ज़्यादा है, तो हमने मैंने आपको बताया था कि डेसिमल के बाद हमें 3 नॉन ज़ीरो टर्म्स निकालनी है, तो 0 लग जाएगी। अब देखिए फिर से ये यहाँ पर 7 पर तो जा नहीं सकता, ठीक है ना, 7 पर जाएगा तो 7 × 13 होते हैं 91, सिर्फ एक का ही डिफरेंस पड़ा है, तो हम यहाँ पर जाएगा 6 पर, तो ये हमें आंसर मिल चुका है 0 पॉइंट। तो हमारा आंसर यहाँ पर अब क्या बन गया, इसका आंसर मैं इस साइड पर लिख देता हूँ, ये हमारा हो गया रफ वर्क, ये आ गया आंसर 0.0176। ठीक है, अब हमें इसको कर लेना है राउंड ऑफ, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे, 6 को हटाएंगे तो ये बन जाएगा 8, सो ये बन गया 0.018। ठीक है, तो ये हमारी एक्स बी का आंसर आ गया। अब एक्स बी से हमें निकाल लेनी है यहाँ पर एक्स ए। ठीक है, अब एक्स ए को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1 - xb कर देंगे। इतना क्लियर है अभी, तो हमारे पास आ गया था एक्स बी का आंसर, दैट इज दी 0.018, तो हम अब निकालेंगे एक्स ए, दैट इज द 1 - 0.018, इसको अब आप लोगों ने कर लेनी है माइनस, दिस इज वेरी वेरी सिंपल स्टेप, 0.982 आ जाएगा। अब हमें सोल्व करना था पी ए, तो उसका फार्मूला था पी ए नोड इंटू एक्स ए, तो पी ए नोड का आंसर हमारे पास उन्होंने क्या दिया था स्टेटमेंट में, दैट इज दी 23.80। ठीक है, तो इसका आंसर अब हम यहाँ पर यूज करते हैं 23.80 इंटू, अब हम करेंगे यहाँ पर 0.982। ठीक है, अब देखिए फिर से हमारे पास सिमिलर रूल है कि चाहे आप लोग डेसिमल प्लेस के बाद 2 डिजिट रखकर इसको मल्टीप्लाई कर लें, अगर ऐसे करनी है तो आप लोग ऐसे भी मल्टीप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी क्या आ रहा है 238 और यहाँ पर आ रहा है हमारे पास 982। अब इन दोनों की आप लोगों ने कर लेनी है मल्टीप्लाई। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप इस 2 को हटाकर भी इसकी मल्टीप्लाई सोल्व कर सकते हैं, वो भी आंसर आपका एक्यूरेट ही माना जाएगा। तो अब हम इसकी करते हैं मल्टीप्लाई, तो ये आपका बन जाएगा आंसर 6, 5 करेंगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे 3 × 2 = 6, 2 तो ये बन जाएगा। ठीक है, अब इसको करेंगे आगे तो ये आपका बन जाएगा 4, 1 एंड दिस बिकम्स दी दिस। अब इसको ऐड कर लें, ये आपका आंसर बन जाएगा दिस वन। ठीक है, ये आपका आंसर बन रहा है। अब ये एक 0 हमने यहाँ पर स्किप की थी, वो मैं अब यहाँ पर लगा लेता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थे डेसिमल प्लेस हमारे पास, दैट इज़ दी 3 और 2,
थ्री एंड टू टोटल बिकम्स दी फाइव, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ पर लगेगा हमारा डेसिमल, यानी कि हमारा आंसर कितना बन रहा है 23.371, तो हम यहीं तक यूज़ करेंगे। ठीक है, अब इसको हटाएंगे तो ये वैल्यू हमारी राउंड ऑफ होकर आ जाएगी जिसका। ठीक है, तो ये आपका आंसर बनेगा। ऐसे आप लोगों ने इसकी ईजिली कर लेनी है कैलकुलेशन। तो हार्डली एक न्यूमेरिकल में आपको एक या दो बार ही डिवाइड या मल्टीप्लाई आती है, कुछ खास नहीं प्रॉब्लम होती। तो आप लोग अगर इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो ईजिली आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। क्लियर है? अभी आगे करते हैं एक और प्रॉब्लम। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 0.5 ग्राम ऑफ द KCl, मोलर मास इज दिस वन, डिजोल्ड इन द 100 ग्राम ऑफ द वाटर अज्यूमिंग KCl टू बी 92% आयनाइज्ड। अब देखिए 92% आयनाइज्ड का क्या मतलब है, हमें दिया गया है यहाँ पर अल्फा, दैट इज द डिग्री ऑफ द डिसोसिएशन। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू है यहाँ पर अल्फा की, सो वी हैव अल्फा दैट इज द 92% मींस दैट 0.92। ठीक है, पोटाशियम क्लोराइड है और 0.5 ग्राम इसको डिसोल्व किया गया है, यानी कि WB हो गया हमारा 0.5 ग्राम। मोलर मास इसका दिया हुआ है स्टेटमेंट में 74.5 और 100 ग्राम है वाटर। ठीक है, ए के साथ होगा वाटर यानी कि सोलवेंट। हमें इसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, यानी कि हमें पहले सोल्व करना होगा कि यहाँ पर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आएगा। अब देखिए पोटाशियम क्लोराइड है, ये ब्रेक होकर दो ही आयन बनाएगा ना, एक पोटाशियम, तो इसके लिए एम की वैल्यू क्या बनेगी 2। तो हमने स्टार्टिंग में भी ये फॉर्मूला यूज़ किया था कि अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस वन ओवर एम माइनस वन, सो आई माइनस वन ओवर टू माइनस वन यानी कि आई माइनस वन आ जाएगा, ओवर में तो बच गया वन, सो इसका मतलब ये वाला वन उस तरफ जाकर अल्फा में ऐड हो जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर बन गया। ठीक है, अभी तो अल्फा का आंसर पुट कर दें, दैट इज़ दी 0.92 प्लस वन, सो हमारी आई की वैल्यू क्या बन जाएगी, आई बिकम्स द 1.92। ठीक है, अभी आई की वैल्यू आ गई। अब हमें आगे सोल्व करना है एलिवेशन इन दी बॉइलिंग डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखिए KF की वैल्यू भी हमें स्टेटमेंट में दी हुई थी, दैट इज दी 1.86। ठीक है, यूनिट्स नहीं मैं उतार रहा, वो आप लोग बाद में यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, KF इन टू WB ओवर MB और साथ में 1000 ओवर WA। ठीक है, अब देखिए KF का आंसर पुट करते हैं, दैट इज दी 1.86। WB है हमारा 0.5, दिस वन, MB है हमारा 74.5 इंटू 1000 ओवर WA है हमारा 100। एक चीज़ हमारी रह गई I की वैल्यू। ठीक है, I आगे आएगा बिकॉज डिसोसिएशन एसोसिएशन हो रही होगी, तो आप लोगों ने I की वैल्यू, चलो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1.92। ओके, अभी अब हमें इसको करना है सोल्व आउट, तो कुछ खास नहीं है यहाँ पर अब डिफ़िकल्ट, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल हो सकते हैं। ठीक है ना, इन दोनों का पॉइंट भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों के पास एक एक ही है डिजिट। ठीक है ना, इसको करते हैं हम लोग 5 पर डिवाइड, तो ये बच गया हमारा दिस वन, तो इसके साथ आ जाएगा डिवाइड कर कर, दैट इज़ दी 9। इतना क्लियर है अभी? अब देखिए बाकी जो है ये दोनों जीरोज़ कैंसिल कर दें, इसकी जीरोज़ ओवर में लिखें, इसकी जीरोज़ ओवर में लिखें, तो ये हमारे बच गए 186 एंड 192 और नीचे था 149। अब देखिए जीरोस का क्या है, इसकी दो ओवर में आएंगी, इसकी दो ओवर में आएंगी। ठीक है, तो डिवाइड में हो गई हमारे पास 4 जीरो, ऊपर एक ही जीरो है। ठीक है, जिसको बाद में हम लोग सिंप्लीफाई है कर देंगे। अब हमें इसको करना है सोल्व आउट। देखिए यहाँ पर आपका काम आएगा कि आप लोगों ने डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, अभी इतना क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि किन्हीं दो टर्म को डिवाइड कर लेते हैं, हम ऐसे करते हैं इन दोनों को अलग लिख लेते हैं। ठीक है, कोई भी दो आप लोग चूज़ कर लें, क्योंकि अगर मैं इसको इसके साथ करूँगा मल्टीप्लाई बाद में डिवाइड करूँगा वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, इसलिए मैं इन दोनों को अलग कर लूँगा डिवाइड। इसके ओवर में तो यहाँ से जीरोज आ ही जाएंगे, कितनी जीरोज बची हैं इसके ओवर में, 10^3, यानी कि इसका आंसर और साथ में क्या आ गया 0.192। ठीक है ना, जब हम इसको चेंज कर लेते हैं इनटू दी डेसिमल फॉर्म, तो हम राउंड ऑफ वगैरह यूज़ करने, मतलब हो सकता है यूज़ अगर रिक्वायरमेंट हो तो। अब हमें इसको करना है डिवाइड, यानी कि 186 को अंदर रखेंगे और 149 को बाहर रखेंगे, पहले तो एक पर ही जाएगा, तो ये यहाँ से बचेगा हमारे पास 7 और ये बच गया हमारा 37। ठीक है, अब लगेगा यहाँ पर पॉइंट, यहाँ पर आ गई 0। अब ये कितने पर जा सकता है, अभी
टू पर ही जा सकता है, तो इसको लेकर जाएंगे टू पर, इसको टू के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 298, बच जाएगा 72 विद ज़ीरो। अब ये कितने पर जाएगा, ठीक है, तो ये हमारा 5 पर तो जा नहीं सकता, तो ये जाएगा हमारा 4 पर, ठीक है, तो ये 4 पर जाएगा, बिकॉज ये है आप अप्रॉक्सीमेटली 150 इंटू 5 होते हैं 750, तो वो काफ़ी ज़्यादा आंसर आ जाएगा। तो इसको हमने किया 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 4 के साथ इसको आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपका बन जाएगा 596, ठीक है। तो इसको अब हम लोग करते हैं यहाँ पर माइनस, तो ये हमारा बच जाएगा 124, साथ में एक लगेगी ज़ीरो। अब ये जा सकता है ऑलमोस्ट, यहाँ पर हमारे पास होता है 15 × 8, दैट इज़ दी 120, तो ये अप्रोक्सीमेटली 8 पर जा सकता है, तो हमें तो यही आइडिया होना चाहिए कि ये कितने पर जाएगा, उसको एग्जैक्ट सोल्व करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो हमने यहाँ पर क्या आंसर लिख लिया, 1.248, इतना क्लियर है अभी। अब हमें क्या करना है कि दोनों को ही अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक रखकर इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, मतलब इसके भी यहाँ तक रखेंगे, इसको भी यहाँ तक, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 0.19, इसको करेंगे ये एक अनक्रीज होगा यानी कि 1.25, यानी कि अब आपको सिंपली मल्टीप्लाई यहाँ पर करनी है, 125 को मल्टीप्लाई करें विद 90, ये तो ईजी है ना, ये तो काम हो ही सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने अब जब यहाँ पर कर लेनी है मल्टीप्लाई, ठीक है, तो इसका आंसर अब आप लोगों ने यहाँ पर यूज़ करना है, इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं, तो ये बच के आपका दिस वन 2 आ जाएगा, 9 × 1, ठीक है, अब ये टर्म तो सेम निकल जाएगी, तो ये बच के आपका 5732, यानी कि 2375, ठीक है। अब देखिए हमारा पॉइंट कहाँ पर लगेगा, इसके भी हमने 2 रखे थे डिजिट और 2 इसके थे, टोटल 4 हो गए, तो 1, 2, 3, 4 यहाँ पर लगेगा पॉइंट, तो यानी कि काफ़ी छोटा एरर आएगा आपके आंसर में, क्योंकि ऑलरेडी वो 0 point something में तो आंसर आ रहा है, तो ये बच गया। अगर आप इसको राउंड ऑफ करते हैं यहाँ तक, तो इसको एक इंक्रीज करना पड़ेगा दिस में, ठीक है, तो ये आपका आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्लियर है अभी। तो ऐसे आपको इसकी पूरी सोल्विंग करनी है, ठीक है ना, कैलकुलेशन करनी है, तो यही मेन मैंने आपको एक्सप्लेन करना था, इस वीडियो का हमारा मेन मकसद यही था कि ये सभी आपको जो है यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग बन जाए। एक दो प्रॉब्लम्स हम इसमें और सोल्व कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाए। आगे है हमारी प्रॉब्लम, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बेंजीन डिक्रीजेस बाय द 2.12 केल्विन व्हेन दिस ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड इज डिसॉल्वड इन दिस ग्राम ऑफ बेंजीन। इफ द बेंजोइक एसिड फॉर्म्स ए डाइमर इन द बेंजीन, कैलकुलेट द वेंटोफ फैक्टर। अब देखिए ये जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, दिस इज़ दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू, यानी कि जो एक्सपेरिमेंटली आई है, तो हमने सोल्व करना है वेंटोफ फैक्टर। तो पहले इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखते हैं, तो इन्फॉर्मेशन हमारे पास इस स्टेटमेंट में क्या क्या है दी गई कि ऑब्जर्व्ड डेल्टा टी है, ठीक है, ऑब्जर्व्ड होता है जो एक्सपेरिमेंटल आता है, ठीक है, दैट इज़ दी 2.12 केल्विन, इतना हो गया अभी क्लियर। इसके बाद है हमारी 2.5 ग्राम है बेंजोइक एसिड, यानी कि वेट ऑफ दी सल्यूट 2.5 ग्राम। 25 ग्राम है यहाँ पर बेंजीन, यानी के वेट ऑफ द सोलवेंट 25 ग्राम। सोलवेंट है हमारा बेंजीन और यहाँ पर है बेंजोइक एसिड, ठीक है, फॉर्मूला भी आपको बताया गया है ताकि आप लोग एम बी को सोल्व कर सकें। यही इन्फॉर्मेशन है, फॉर्मूला हम यहाँ से लिख लेते हैं, के एफ की वैल्यू है आपकी 512, ठीक है, तो के एफ की वैल्यू है आपकी 512 और एम बी क्या आएगा, बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड का फार्मूला होता है C6H5COOH, ठीक है, तो C का मास होता है हमारे पास 12 × 6, टोटल 6 हाइड्रोजन है, एक कार्बन और आ गया और 2 ऑक्सीजन का मास हो गया 32, इसको ऐड कर लेना, तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 122, ठीक है। तो एम बी की वैल्यू आ गई है, के एफ वगैरह है, सब कुछ है हमारे पास, हमें आई निकालना है। अब देखिए आई के लिए हमें क्या करना होगा, वी हैव टू सोल्व दी कैलकुलेटेड वैल्यू, यानी कि जो नॉर्मल वैल्यू होती है डेल्टा टी एफ की, जो हम लोग फॉर्मूला लगाकर सोल्व करते हैं विदाउट यूजिंग दी वेंटोफ फैक्टर, तो वो पहले सोल्व करते हैं, के एफ इन टू दी डब्ल्यू बी ओवर एम बी, डब्ल्यू ए ऊपर चला जाएगा हमारा 1000, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर के एफ की वैल्यू लगाते हैं 1.1, यहाँ पर लग गई वैल्यू 5.12, डब्ल्यू बी है हमारा 2.5, एम बी है हमारा 122 × 1000 ओवर 25,
दैट इज़ दी 25 ग्राम है बेंजीन। ठीक है, अभी इतना हो गया क्लियर। अब इसको हमने सोल आउट करना है ताकि हमारी वैल्यू आ जाए, ठीक है ना, डेल्टा टी एफ की। इसको सोल करने के लिए जो कुछ भी आपस में सोल होता है, पहले तो ये दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इसका एक पॉइंट हटाकर यहाँ पर बच गया हमारे पास 10। इसकी ज़ीरो इसके साथ कर दो, ये दो जीरो ओवर्स में आएंगी, ये दोनों जीरो इसके साथ सोल हो जाएंगी, तो हमारा क्या बचा है 512/122। ठीक है, अब इसको डिवाइड करते हैं ओनली टू, ये टू पर किया 256, ये टू पर किया 161, तो हमें अब डिवाइड करनी है 256 को 61 के साथ। सो 256 को डिवाइड करें अपॉन 61, तो ये सबसे पहले कितने पर जाएगा, ये जा सकता है 4 पर, ठीक है। तो ये 4 पर जाएगा बिकॉज 4 × 6 होते हैं हमारे पास 244, ठीक है, ये आ गया। अब इसको करेंगे माइनस, तो ये बचेगा 12, यहाँ पर लग जाएगा पॉइंट, यहाँ पर लग गई 0, ये तो जाएगा ओनली 1, ठीक है। अगर 2 पर जाता तो 122 आ जाते, वो तो है नहीं थी वैल्यू। इसको करेंगे माइनस, तो ये बच जाएगा 59, 0 लगेगी। अब ये कितने पर जा सकता है, ये जा सकता है अप टू दी 9 पर, ठीक है, बिकॉज 9 × 6 होते हैं 54, ये आपका बन जाएगा दिस वन, ठीक है। अब इसको करेंगे माइनस, तो ये हमारा बच जाएगा यहाँ पर 41, इसके साथ लगेगी 0। अब ये कितने पर जा सकता है, ठीक है, अब ये जा सकता है, अगर हम करते हैं 7 पर, तो वो तो बन जाएगा 427, वो तो वैल्यू हायर हो गई, तो ये जाएगा अप टू दी 6, तो हमारा आंसर आ चुका है यहाँ पर 4.196, ठीक है। अभी अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, राउंड ऑफ बन गया, इसको एक इंक्रीज करेंगे, यानी कि ये बच जाएगा 4.20, ठीक है। अभी तो अब हमारे पास वेंटो फैक्टर का फार्मूला क्या होता है, वेंटो फैक्टर I इज इक्वल्स टू दी ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ द डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय दी कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ दी डेल्टा टी एफ, ठीक है। ऑब्जर्व्ड वैल्यू जो स्टेटमेंट में दी गई थी 2.12, अब देखिए स्टेटमेंट की वैल्यू भी थी 2.12, पॉइंट के आगे 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर दिया गया था, तो इसीलिए हमने भी 2 तक अपना सही आंसर निकाल लिया है, तो 4.20, ठीक है, इनके पॉइंट्स तो हो जाएंगे कैंसल। अब हमें इसको करनी है डिवाइड, ठीक है, इसको डिवाइड करनी है, इसको 4 पर डिवाइड कर दें, ये बच जाएगा 105, इसको 4 पर करेंगे, ये बच जाएगा आपका 53। अब हमें डिवाइड करनी है 53 को 105 के साथ। जब भी आप लोग आई को सोल्व करते हैं, आपने अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस तक ट्रू आंसर निकालना है, राइट आंसर निकालना है, यानी कि हमें पॉइंट के आगे टोटल 4 प्लेसेस तक डिवाइड सोल्व करनी पड़ेगी। बाद में रखने कितने हैं, 3 रखने हैं आई के केस में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमने ऐसा ना किया तो हमारा आंसर सही बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि आई की वैल्यूज में बहुत ही छोटे छोटे हमें जो यहाँ पर चेंजेस देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें अप टू दी यहाँ पर अप टू दी 3 प्लेसेस तक अपने आंसर को सही से सोल्व आउट करना होगा। तो 53 को रखते हैं अंदर, तो बाहर रखते हैं 105, सबसे पहले लग जाएगा 0 पॉइंट, ये जाएगा ओनली 5 पर हो जाएगा डिवाइड, ठीक है ना। इसको करेंगे 5 पर, तो ये बच जाएगा हमारा 525, बाकी बचा हमारा 5। अब एक जीरो तो आ सकती है, पर ये तो हुआ नहीं डिवाइड, सो एक जीरो और लगाने के लिए यहाँ भी 0, यहाँ भी 0। अब ये जाएगा 4 पर, ठीक है, तो 4 पर जाएगा, ये बच जाएगा 80, एक जीरो तो आ सकती है। अब ये जा सकता है ओनली 7 पर, ठीक है, 7 पर जाकर जो भी आएगी वैल्यू, इससे तो छोटी आएगी। तुम्हारा आंसर क्या यहाँ से आ रहा है, दिस इज दी 0.5047, इसको कर देते हैं राउंड ऑफ, सो दिस बिकम्स द दिस वन, ठीक है। तो ये हमारी आई की वैल्यू आ चुकी है। तो हमने अब सोल यहाँ पर क्या करना था, आई तक तो हम लोग आ चुके हैं, ठीक है, वेंटो फैक्टर तक। अब देखिए उसने हमें क्या कहा था कि बेंजोइक एसिड फॉर्म्स द डाइमर, यानी कि एसोसिएशन हो रही है। कैलकुलेट द वेंटो फैक्टर एंड द परसेंटेज एसोसिएशन, कितने परसेंट एसोसिएशन हुई है, ठीक है ना। तो एसोसिएशन हो रही है, और डाइमर मींस के दो मॉलिक्यूल आपस में अटैच हो रहे हैं, सो इसको हम एन लिख लेते हैं कि एन की वैल्यू 2 है। अब इसमें अल्फा का फार्मूला क्या होता है, जब एसोसिएशन होती है आई माइनस 1, वो सेम है, डिवाइड में आएगा 1/(n-1), ठीक है। ये आप लोगों ने फॉर्मूला अच्छे से ध्यान से याद रखना है, उसमें था m माइनस 1, इसमें आएगा 1/(n-1)। अब यहाँ पर आंसर पुट करते हैं, आई का आंसर 0.505। अब देखिए अगर हम यहीं तक सोल्व करते तो हम यहाँ पर क्या रख लेते, 50 या फिर 50 या फिर हम यहाँ पर रख लेते 0.51, बट वो काफ़ी ज़्यादा हमारा चेंज आ जाता आंसर, तो इसलिए हमें अप टू दी 3 प्लेसेस सोल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, 1/2, एन की वैल्यू 2 है, 1/2 क्या होता है 0.5, ठीक है।
तो ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल इक्वल ही मतलब हमारे पास आंसर्स इनके रहते हैं। तो इसको कर लेते हैं वन में से माइनस, तो ये बचेगा 0.495, तो नीचे है 0.5, माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो गई। अब इसको आप लोगों ने कर देना है डिवाइड ओनली 5, तो इसको करेंगे डिवाइड ऑन 5, तो ये बच जाएगा 99, 0 पॉइंट बचेगा साथ में क्योंकि इसकी तो एक ही थी 0, तो ये आपका बच जाएगा 0.99, यानी कि 99% एसोसिएशन हो चुकी है सॉल्यूशन में। क्लियर है अभी? तो ऐसे आप लोगों ने इन न्यूमेरिकल्स की करनी है कैलकुलेशन। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको इस वीडियो में मैंने सोल्व करवाई हैं, तो सभी को आप लोगों ने वन बाय वन सोल्व कर ज़रूर देखना है। एक प्रॉब्लम हम आगे और कर लेते हैं, बाकी इसकी एक PDF फाइल आपको साथ में मिल जाएगी जिसमें सभी की सभी अनसोल्व प्रॉब्लम्स की स्टेटमेंट्स रहेंगी और साथ में उनके आंसर्स बताए होंगे, ताकि आप लोग इनकी खुद प्रैक्टिस साथ में ज़रूर कर सके। ठीक है भी? ए 5% सोल्यूशन ऑफ द सोडियम सल्फेट .10H2O मोलिकुलर वेट दिया हुआ है, इज आइसोटोनिक विद 2% सोल्यूशन ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस एक्स, यानी कि कोई हमें वेंटोफैक्टर जो दूसरी साइड वाला कंपाउंड है जो कि 2% सोल्यूशन है उसमें नहीं यूज करना, इसमें यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमें सोल्व करना है फाइंड आउट द मोलिकुलर वेट ऑफ द एक्स। क्लियर है अभी? अब देखिए हमारे पास एक साइड पर है सोडियम सल्फेट .10H2O, ठीक है, उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्या क्या दी गई है कि 5% सोल्यूशन है और इसका मोलिकुलर वेट है हमारे पास 322। ठीक है, दूसरी साइड पर कोई सब्सटेंस एक्स है जिसका के 2% है सोल्यूशन और उसका मोलिकुलर वेट हमें सोल्व करना है। ठीक है, एम को मैं एक्स मान लेता हूँ, तो ये हमें सोल्व करना है। इतना क्लियर है अभी? चलिए, तो अभी इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करते हैं। दोनों सॉल्यूशन आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक यानी कि दोनों के ओस्मोटिक प्रेशर इक्वल हैं। अगर ऐसा कुछ आपको दिया गया हो तो आपने ज्यूम करना है कि बोथ सॉल्यूशन आर ऑन दी सेम टेम्परेचर। क्लियर है? अब देखिए इसका मतलब क्या है 5% सॉल्यूशन का, दैट इज़ दी 5% सॉल्यूशन मीन्स दी 5 ग्राम इज द सॉल्यूट। तो हमारे पास गिवन मास ऑफ दी सॉल्यूट हो गया और ये था इसका मोलिकुलर मास यानी कि MB की वैल्यू है। यहाँ से हम लोग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं, दैट इज़ दी WB डिवाइडेड बाय MB, दैट इज़ दी गिवन मास डिवाइडेड बाय दी मोलर मास। तो ये आ गया हमारा 5/322। अब यहाँ पर एक बात का और ध्यान रखिए, अब देखिए नंबर ऑफ मोल्स के बारे में उन्होंने हमसे कहीं नहीं पूछा, ये तो आगे यूज़ करनी है वैल्यू, तो इसको डिवाइड नहीं करनी, इसको ऐसे ही छोड़ देना है, आगे बाद में यूज़ हो जाएगी ये वैल्यू। ये नहीं कि आप इसको पहले यहाँ पर डिवाइड करना शुरू कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। अब देखिए Na2SO4 है, इसके कितने आयंस बनेंगे, 2 सोडियम के और 1 SO4 का, तो ये बन गई I की वैल्यू हमारे पास, दैट इज़ दी 3। तो ओस्मोटिक प्रेशर का फार्मूला लगाएं I(N/V)RT, ठीक है, यानी कि वेंटोफैक्टर इंटू दी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन RT। हमें वॉल्यूम RT के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं, तो हम इसे ऐसे ही अभी रख लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू हमने यूज़ कर दी N की और साथ में RT/V को ऐसे ही छोड़ दें। इतना क्लियर है अभी? चलो, अब सेम काम हमने दूसरी तरफ भी करना है। तो 2% मीन्स 2 ग्राम हो गया हमारे पास WB। ठीक है, तो यहाँ पर निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स WB/MB, तो MB हमने X माना है, तो दिस बिकम्स दी 2/X। तो यहाँ पर ये वाला X तो हमने ये वाला X उसने हमें स्टेटमेंट में बताया था नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वोलेटाइल है, तो इसके कोई आयंस वगैरह बिल्कुल नहीं बनने वाले, तो I की वैल्यू यूज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर फार्मा लग जाएगा N/V/RT, यहाँ से I को स्किप कर देंगे, तो N यानी कि 2/X और उधर आ गया RT/V। अब इन दोनों ओस्मोटिक प्रेशर्स के आंसर्स को हमें इक्वेट करना है बिकॉज दी सॉल्यूशंस आर आइसोटोनिक, तो इन दोनों को इक्वेट कर देंगे। अब देखिए RT/V तो RT/V के साथ सोल आउट हो जाएगी, तो क्या बचेगा, ओनली 3/5 3×5/322 इज इक्वल टू 2/X। तो हमें यहाँ से X को सोल करना है, X ऊपर चली जाएगी, तो ये बन जाएगा 2×322/3×5। ठीक है, अब हमें सिर्फ इसी का ही आंसर निकालना है। अब देखिए कि डिवाइड तो यहाँ पर होने नहीं वाली, मतलब ये दोनों किसी भी टर्म पर तो नहीं हो रहे डिवाइड, तो इसको कर दिया मल्टीप्लाई, नीचे भी कर दिया, अब हमें इसको करना है डिवाइड। तो ये तो डिवाइड कुछ खास मुश्किल आपके लिए नहीं होनी चाहिए,
आपने 644 को डिवाइड करना है ऑन दी 15, तो सबसे पहले 4 पर जाएगा, 44 बच गया, अब जाएगा 2 पर, तो ये बच जाएगा आपका 30, ये बच गया 14, अब लगेगा पॉइंट, यहाँ पर आ गई 0, अब जाएगा ऑन दी 9, तो ये बन जाएगा 135, यहाँ पर बच गया आपके पास 5, तो फिर से 0 लग गई, तो ये जाएगा 3 पर, ये आ गया आपका 42.93। तो आप लोग चाहें तो एक डिजिट आगे और सोल्व कर लेंगे, सेम ही आ जाएगा, 45 आ गया, फिर से बच गया 50, तो ये बन जाएगा 33। अगर हम इसको राउंड ऑफ करके लिखें तो ये बन जाएगा 42.93 ग्राम पर मोल, मोलिकुलर वेट है, तो ये आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अभी सिंपल है, यहाँ तक आई थिंक कुछ खास नहीं आपको प्रॉब्लम आई होगी। तो आगे और प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, जिनमें आपको शायद कुछ कैलकुलेशन और ज़्यादा डिफिकल्ट मिले, तो उनको सोल्व करते हैं। ठीक है, अभी तो अगली प्रॉब्लम देखते हैं। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि आपको सभी प्रॉब्लम्स को ध्यान से एक बार सुनना है, ठीक है, आपकी रिवीजन ही हो रही है, सभी न्यूमेरिकल्स की भी साथ में ही रिवीजन चल रही है। तो आगे प्रॉब्लम है कि ए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स, जिसका मोलर मास है 50, व्हेन डिसॉल्वड इन द 78 ग्राम ऑफ द बेंजीन रिड्यूस्ड इट्स वेपर प्रेशर 290%। ठीक है, तो अब देखिए इसका क्या मतलब है कि जो भी वेपर प्रेशर शुरू में था, बाद में उसका 90% ही रह गया है, कितना डिक्रीज हुआ है, डिक्रीजेस बाय द 10%। तो जब आपको ऐसा केस दिया गया हो परसेंटेजेस में, तो आपने अज्यूम कर लेना है कि लेट वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट दैट इज दी 100 एंड बाद में हमारे पास कितना बच गया है, दैट इज दी 90। तो सबसे अच्छा यही रहता है। अब देखिए हमें और यहाँ पर क्या दिया गया था कि मोलर मास है इसका 50, ठीक है ना, सॉल्यूट का, उसको हम बी लिखते हैं, बी फोर दैट इज दी सॉल्यूट के लिए है, और डिसॉल्वड इन द 78 ग्राम ऑफ दी बेंजीन, 78 ग्राम ऑफ बेंजीन हमारा ए है, दैट इज दी सॉल्वेंट, तो इसका हो गया हमारा 78 ग्राम। ठीक है, तो मैं हर एक प्रॉब्लम में ए यानी कि होगा हमारा सॉल्वेंट, जो कि यहाँ पर है बेंजीन, और बी है हमारा यहाँ पर सॉल्यूट, सॉल्यूट एक्स। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी। चलो, तो आगे है कि उसने हमें यहाँ पर पूछा क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ एक्स डिसॉल्वड, हमने एक्स का कितना मास डिसॉल्व करना है, यानी कि हमें डब्ल्यू बी निकालना है। ठीक है, इस वैल्यू को हमने सोल्व आउट करना है। इतना क्लियर है अभी कि हमें सोल यहाँ पर क्या करना है। तो इसके लिए अब देखिए हमें यहाँ पर क्या अप्लाई करना होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला, दैट इज दी पी ए नोड माइनस पी ए डिवाइडेड बाय पी ए, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल्स टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। अब देखिए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला होता है एन बी डिवाइडेड बाय एन ए प्लस एन बी। ठीक है, ये हमने अभी अभी यूज किया था। तो यहाँ पर है पी ए नोड माइनस पी ए, दैट इज दी 100 माइनस 90 ओवर 100, उस तरफ है एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ओके, अभी अब ये सोल्व कर ऊपर क्या बच जाएगा, ओनली 10 ओवर 100, तो एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं, यहाँ से अब हमारी होगी क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अब एक चीज़ और, अब देखिए एन ए भी हम लोग सोल्व कर सकते हैं, हमारा सोलवेंट है बेंजीन, तो बेंजीन का फार्मूला क्या होता है, C6H6, इसका मोलिकुलर वेट सोल्व कर लें, ये बन जाएगा कार्बन का होता है 12, सो 6 × 12 दैट इज़ दी 72, हाइड्रोजन का 1, तो ये बन गया आपका 78। तो एन ए हम लोग सोल्व कर सकते हैं, दैट इज़ दी गिवन मास डिवाइडेड बाई दी मोलर मास, दोनों सेम आ गए तो आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, तो एन ए की वैल्यू हम लोग यहीं पर यूज़ कर लेते हैं, एन बी 1 प्लस एन बी। अब हमें करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ, ऊपर है ओनली 1, ये आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, ये बच गया 10 × NB। ठीक है, एन बी वाली टर्म्स एक साइड पर ले जाएं, सो 10 NB - NB, दिस रिमेन्स दी 9 NB, सो एन बी का आंसर आपके पास क्या आ जाएगा सोल्व कर, सो एन बी बिकम्स दी 1/9। अब देखिए एन बी का फार्मूला हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, डब्ल्यू बी ओवर एम बी इज इक्वल्स टू 1/9। सुनाओ, डब्ल्यू बी हमें सोल्व करना है और एम बी यानी कि मोलिकुलर वेट उसने स्टेटमेंट में दिया था 50 है, सो 50 ऊपर चला जाएगा, सो डब्ल्यू बी इज इक्वल्स टू 50/9 ग्राम। अब ये डिवाइड तो आप लोग सोल्व कर ही सकते हैं, ईजी है, तो सबसे पहले जाएगा 9 × 5 दैट इज दी 45.555 आ जाएगा। ठीक है,
तो ये डिवाइड आप लोग खुद भी कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल था। ओके अभी तो आगे चलते हैं, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं ऐसी, इसके बाद है हमारी अगली प्रॉब्लम। डिटरमिन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 2.32 इनटू 10 रेज टू पावर माइनस 2 ग्राम ऑफ द K2SO4 इन द 2 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन एट द 25 डिग्री सेल्सियस अज्यूमिंग दैट K2SO4 इज कम्प्लीटली डिसोसिएटेड। हमें मोलर मास भी दिया हुआ है और R की वैल्यू भी दी हुई है, तो अब हमें सभी सॉल्विंग करनी है बस। तो सबसे पहले देखते हैं हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर दी गई। तो सबसे पहले दिया गया है प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस ग्राम, दिस इज दी गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, ठीक है। वॉल्यूम है सॉल्यूशन की 2 लीटर, ठीक है भी। और K2SO4 का मोलर मास दिया गया है 174, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और एक रह गया हमारे पास है यहाँ पर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस को हम लोग चेंज कर लेंगे, 273 ऐड करेंगे, सो दिस बिकम्स अ 298 केल्विन। और R की वैल्यू दी गई है 0.082। देखिए R की वैल्यू में ना यूनिट्स का ध्यान रखना है, अगर तो यहाँ पर प्रेशर है ATM में तो वैल्यू यही रहती है, अगर आप लोग प्रेशर की यूनिट्स को बार में चेंज करेंगे तो ये यहाँ पर वैल्यू चेंज हो जाएगी, ठीक है। बाकी जिस यूनिट्स में आपने R की वैल्यू ली है उसी में ही आप लोगों ने आपका आंसर निकलेगा, ठीक है। K2SO4 है सो कम्प्लीटली हुआ है डिसोसिएट, 2 पोटाशियम बनेंगे, 1 बनेगा सल्फेट आयन, तो टोटल कितने आयन्स बन गए हमारे पास 3। जब स्टेटमेंट में दिया हो कम्प्लीटली डिसोसिएट तो आप लोग डायरेक्टली I की वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारी M की वैल्यू होती है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये तो हमारी डायरेक्ट प्रॉब्लम है, बस आप लोगों को ये एक्सप्लेन करना है कि इसकी आप लोगों ने कैलकुलेशन कैसे करनी है, ठीक है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू दी I इंटू N बाय VRT, ठीक है। सो I इंटू N की वैल्यू दैट इज दी गिवन मास डिवाइडेड बाय दी मोलर मास, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, तो RT, ठीक है भी। सो I की वैल्यू लगाएं, I की वैल्यू हमारी यहाँ पर 3, W भी है 2.32 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 2, MB की वैल्यू है यहाँ पर 174, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 2 लीटर, R की वैल्यू लगा देते हैं और T की वैल्यू लगा देते हैं, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर वैल्यूज़ हैं बट हमें इनको डिवाइड करना है, ठीक है, डिवाइड कर इन्हें सोल्व आउट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हो सकता है इसके साथ डिवाइड, ये जाएगा 0.5 and 8, ओके अभी। अब इसके पॉइंट हटाते हैं, ठीक है ना, इसके पहले हम लोग हटा लेते हैं पॉइंट्स, हम ऐसे करते हैं सभी के हटा देते हैं। इसकी आएंगी 2 जीरो ओवर्स में, इसकी आएंगी डिवाइड में 3 जीरो, टोटल हो गई 5, और ये भी 2 डिवाइड में है ना, इसकी भी पावर है माइनस, तो टोटल हमारे पास डिवाइड में कितनी जीरोस बन रही हैं, 7, ठीक है। तो बाकी सब कुछ हमने आगे लिख लिया, तो जीरोस को इकट्ठा कर हमने बना दी 10 रेज़ टू पावर माइनस 7। अब देखते हैं ये हो गया हमारा 2 पर कैंसिल, 116, ठीक है, ये भी अब 2 पर कैंसिल हो सकता है, यही हो जाएगा इसके साथ, ठीक है ना, डायरेक्टली कैंसिल, 58 into 2 इज द 160, तो यहाँ से ही कैंसिल हो गया। अब देखिए ये तो ऊपर वाली वैल्यू है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिर्फ हमारे पास क्या बचा है, एक तो 2, एक 82 और एक 298, बाकी सब कुछ तो हमारा डिवाइड ही हो गया है यहाँ पर, तो यहाँ पर अब हमारी सोल्विंग करनी जो है वो यहाँ पर ईजी हो जाएगी। सो 2 into 82 करते हैं, ये बन गया हमारा 4 and 164 into 298 की आप लोगों ने करनी है मल्टीप्लाई, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई आप लोग खुद भी सोल्व कर सकते हैं, कुछ मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने चेक कर लेना है, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम में ऐसी प्रॉब्लम्स ही दी जाती हैं जिनकी डिवाइड वगैरह आपकी ईजिली हो जाए, ठीक है। अब इसको आप लोगों ने करनी है मल्टीप्लाई, तो ये आएगा यहाँ से 2, 4 into 9, 3, 4 into 2, ये बन गया 11, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने आगे कर लेना है, तो ये आएगा 8, देन फिर से आ जाएगा 8, और आगे करेंगे फिर इसको, और ये बन जाएगा आपका 17, ठीक है। आगे करेंगे फिर तो सेम टर्म आ जाएगी, क्योंकि 1 है, इस सब को ऐड करेंगे तो ये आपकी आंसर बन जाएगा, दैट इज़ दी दिस वन, ठीक है। तो ऐसे आप लोगों ने इसका आंसर निकाला। अब देखिए इसके साथ है 7 जीरोस डिवाइड में,
तो ये सभी डिवाइड वाली जीरोस को यूज़ करने के लिए अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यानी कि आंसर बनेगा 0.0048872। ठीक है, टोटल हमने यहाँ पर यूज़ करनी थी 7 जीरो, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब हमें तो 2 तक रखना है आंसर, तो ये बन जाएगा 0.00। इसको हटाएंगे 8 है, तो इसको एक अनक्रीज कर देते हैं दिस वन, तो इसकी यूनिट्स बनेगी ATM, तो ये आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों ने न्यूमेरिकल्स की कैलकुलेशन को यहाँ पर करना है। तो आगे करते हैं, कुछ और इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स हैं हमारे पास। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग हो रही है। अगर कोई भी आपका इसके रिलेटेड है, प्रॉब्लम है, डाउट है, वो आप लोग नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इसके बाद हमारी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, जो वैसे तो हमारे पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, बट आपको खुद भी कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो सके। इफ़ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू ए वाटर एट दी 293 केल्विन, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ दी वाटर। ठीक है, कितने मिली मोल्स N2 के 1 लीटर पानी में डिजोल्व होते हैं। सो 1 लीटर है हमारे पास वाटर। ठीक है, और क्या दिया गया है, पार्शियल प्रेशर ऑफ दी N2 इज 0.987, यानी कि पार्शियल प्रेशर इज 0.987 बार, एंड KH फॉर दी N2 इज 76.48 किलो बार। ठीक है, सेम टेम्परेचर पर है, इसमें कोई टेम्परेचर नहीं यूज़ करेंगे। हमें क्या निकालने हैं, मोल्स ऑफ दी N2। ठीक है, ये हमारी सोल्विंग वाली चीज़ है जो हमें सोल्व करनी है। इस पर हमने लगा दिया क्वेश्चन मार्क। तो इसका फार्मूला क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दी हेनरी स्ला, पी इज इक्वल्स टू KH इंटू X। X क्या होती है, मोल फ्रैक्शन। तो हमने पहले मोल फ्रैक्शन निकाल लेनी है। ये सब कुछ N2 के लिए सोल्व हो रहा है, दिस इज दी मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। ठीक है, तो P की वैल्यू लगा दें 0.987 डिवाइड में आएगी, KH के साथ है किलो बार, इसको चेंज करेंगे इनटू बार, यानी कि मल्टीप्लाई विद दी 1000। ठीक है, अब हमें इसको करना है यहाँ पर डिवाइड, या इसको हम ऐसे ही रख सकते हैं। ठीक है, पहले हम इनकी जीरोस को यहाँ पर सोल्व आउट कर लेते हैं, फिर बाद में हम इसको आगे यूज़ करेंगे। ठीक है, सो इसको अभी हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि आगे ये वैल्यू हमारी सोल्व होने वाली है। तो इसकी पॉइंट्स यानी कि इसकी जीरोस को पहले यूज़ कर लें। इसकी आएंगी डिवाइड में 3 जीरोस, इसके ऊपर जाएंगी 2 जीरोस, तो ये बच की वैल्यू, और नीचे ऑलरेडी ही हमारे पास हैं 3 जीरोस। ये 3 और 3 6 हो गई, ऊपर जाकर होंगी ये यहाँ पर माइनस, तो ये हमारे पास बच जाएगा ऊपर -4। ठीक है, इतना क्लियर हो गया अभी। तो अगर आपने इसको डिवाइड करना हो तो आप ऊपर 1 जीरो और एक्स्ट्रा यूज़ कर सकते हैं, वो हम आगे जाकर यूज़ कर लेंगे। तो ये आ गई हमारी मोल फ्रैक्शन ऑफ दी N2 की वैल्यू। अब देखिए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ N2, आपको यहीं से आइडिया हो रहा है कि काफ़ी छोटा आंसर है। तो इसलिए जब हम लोग मोल फ्रैक्शन का फार्मूला लगाएंगे, दैट इज़ दी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी नाइट्रोजन डिवाइड बाई नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी नाइट्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दी वाटर। अब देखिए वाटर के मोल्स क्या हैं, हमारे पास है 1 लीटर वाटर, स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो 1 लीटर वाटर यानी कि उसका मास अप्रोक्सीमेटली होगा 1000 ग्राम, ये हमने अज्यूम कर लेना है। ठीक है, सो 1000 ग्राम वाटर में कितने मोल्स होते हैं, मैंने आपको ये बात पहले ही बताई थी कि इसको याद ही रख लेना, 1000 डिवाइडेड बाय दी मोलर मास ऑफ दी वाटर, दैट इज़ दी 55.55। ठीक है, ये वैल्यू तो ऑलमोस्ट बहुत बार यूज़ हो जाती है, ये आप लोग याद रख सकते हैं। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं कि हम इस वैल्यू को जो इसमें ऐड हो रही है, देखिए इसका आंसर है 55 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आएगा 0 पॉइंट समथिंग, क्योंकि यहीं पर देखिए कि 10^-4 आ चुकी है -4, तो काफ़ी स्मॉल वैल्यू होगी एन की। तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं निगलेक्ट, ऊपर वाली नहीं बिल्कुल भी कर सकते, यानी कि मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं, प्लस माइनस से हम लोग इसे कर सकते हैं निगलेक्ट। तो ये हो गई निगलेक्ट। ठीक है, अभी अब इसका आंसर क्या बनेगा, N/55.55। अब ये दोनों आंसर्स को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं, दोनों आंसर XN2 के हैं, इन दोनों को इक्वेट कर दें, सो वी हैव द वैल्यू, दैट इज़ दी N/55.55 इज इक्वल्स टू दी 987/(10^-4). ठीक है, अब ये उधर जाएगी वैल्यू, सो n बिकम्स दी 987। मैं इसके साथ एक जीरो एक्स्ट्रा यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ, इसके साथ जीरो लगाएंगे तो इधर ओवर में भी एक जीरो और चली जाएगी, हमने ऊपर एक जीरो लगाई एक्स्ट्रा
OC10 यहाँ पर ओवर में आएगी तो ये बन जाएगी 10^-5 और यहाँ पर है हमारे पास 55.55। अब देखिए यहाँ पर भी हमारा सेम रूल है, हम सबसे पहले इन दोनों को करेंगे डिवाइड, क्योंकि अगर मैं इसको इसके साथ करता हूँ मल्टीप्लाई फिर इसको डिवाइड करता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट काम होगा, पहले इन दोनों को हमने कर लेनी है डिवाइड। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, 9870 को डिवाइड करेंगे विद 7648, सबसे पहले एक पर जाएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं सब्ट्रैक्ट, तो ये आपका बन जाएगा 2222। ठीक है, अब ये तो इस पर डिवाइड नहीं होगा, यहाँ पर लगेगा हमारा पॉइंट, एक लग गई जीरो, अब ये जा सकता है। अब देखिए आपने ऐसे यहाँ पर चेक करना है, ये वैल्यू है ऑलमोस्ट 22,000। ठीक है, तो हमारे पास है यहाँ पर ऑलमोस्ट 7,000। ठीक है ना, अब ये यहाँ पर 3 पर जाएगा तो ऊपर चली जाएगी वैल्यू, बिकॉज 7 × 3 होते हैं 21, हमारे पास 7 के बाद है 600, वो काफ़ी ऊपर चला जाएगा आंसर, तो हम इसे 2 पर ही करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 पर करेंगे ये आ जाएगा आपका 15296, इसको करेंगे माइनस। ठीक है, तो इसको करेंगे माइनस तो ये बच जाएगा 4296। ठीक है, इसके साथ लग सकती है ज़ीरो पर है हमारा 69,000, तो 7 के टेबल में 69,000 जा सकता है ऑलमोस्ट 9 पर। ठीक है, बिकॉज 9 × 7 होते हैं 63, तो ये आपका गया ऑन दी 9, तो ये वैल्यू आ रही है दिस वन, इसको कर लेना 9 के साथ मल्टीप्लाई, इसको करेंगे माइनस तो ये बच रहा है 408, एक ज़ीरो लगेगी। अब ये वैल्यू तो इससे छोटी है, यानी कि हमें एक ज़ीरो लगाकर यहाँ पर ज़ीरो लगानी पड़ेगी, तो हमारा अप टू दी 3 डेसिमल प्लेसेस आंसर आ चुका है 1.290। ठीक है, तो हमने तो 2 प्लेसेस तक ही रखना था, अब हमें 55.55 और 1.29 को कर देना है मल्टीप्लाई। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई आप लोग खुद सोल्व कर सकते हैं कि नहीं, चलो मैं इसको भी सोल्व आपके लिए एक बार यहाँ पर कर देता हूँ। ठीक है, तो ये आएगी इसकी मल्टीप्लाई, इसको आप लोगों ने सोल्व कर लेना है, तो इसका आंसर मैं आपको अब यहाँ पर बता देता हूँ, इसको आप लोग खुद सोल्व कर लेना, बिल्कुल सिंपल सी मल्टीप्लीकेशन है, तो इसका आंसर कुछ ऐसे आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी 2 डेसिमल प्लेस हैं, यहाँ पर भी हमने 2 तक ही रखा है, तो 2 और 2 4, यानी कि पहले 4 डिजिट छोड़ कर लग जाएगा पॉइंट, यानी कि 71.7595 × 10^-5। हमने तो 2 तक ही रखना था, तो ये बच जाएगा 71.7 × 10^-5। ये आ गए मोल्स, उसने स्टेटमेंट में हमसे पूछा था मिली मोल्स। अब देखिए एक मोल में होते हैं यहाँ पर 1000 मिली मोल्स, तो मतलब ये क्या बन जाएगा, इनटू दी 1000 मिली मोल्स। यहाँ पर एम मोल का क्या मतलब है, मिली मोल्स। ठीक है, अब ये दोनों पावर सोल होकर यहाँ पर सिर्फ बच जाएगी माइनस 2, वो भी हम इसके ओवर में ही यूज़ कर लेंगे, तो 2 डिजिट और छोड़कर चला जाएगा पॉइंट, तो ये आंसर आपका बन जाएगा मिली मोल्स में। ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस आंसर को सोल आउट कर सकते हैं, तो कैलकुलेशन करनी बिल्कुल ही सिंपल काम होता है, आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को ये सभी प्रॉब्लम्स की अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, तो आपके सॉल्यूशन चैप्टर की काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी हो गई, और साथ में आपको इनकी कैसे इनको सोल्व आउट करना है वो भी अंडरस्टैंडिंग हो गई। सो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होगी, इसकी और वीडियोस भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर मैं यहाँ पर आई कार्ड में आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।